दोस्तों, आज हम आपको पटना के उस फोरलेन सड़क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बनने के बाद राजधानी के स्थानीय लोगों के साथ साथ जहानाबाद, गया जैसे शहरों के लोगों के लिए भी पटना आना जाना आसान हो जाएगा। दरअसल पटना के मीठापुर से महुली में राम गोविंद सिंह महुली हॉल्ट तक करीब 9 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क बनाई जानी है। इसमें 6 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा। ये सड़क सिपारा फ्लाईओवर के नीचे से पुराना परसा बाजार तक जाएगी, जिसके नीचे समानांतर सड़क होगी। ये सर्विस रोड स्थानीय इलाकों से जुड़ेगी। मीठापुर महुली रोड का सीधा लाभ दक्षिण पटना के विभिन्न इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ साथ आसपास के जिलों से पटना आने वाले लोगों को भी मिलेगा। अटल पथ की तरह मीठापुर महुली एलिवेटेड सड़क के बीच कोई यू टर्न नहीं होगा। महुली की तरफ से पटना आने वाली गाड़ियां सीधे मीठापुर पहुंचेंगी। इसी तरह पटना से जहानाबाद की ओर जाने वाली गाड़ियां सीधे महुली पहुंचेंगी और ये दूरी 10 मिनट के अंदर तय हो जाएगी। यहां से फ्लाईओवर के माध्यम से गांधी मैदान, कंकड़बाग, सचिवालय, बेली रोड समेत अन्य इलाकों में जाने के लिए जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस रोड पर स्पीड लिमिट अटल पथ की तरह 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस परियोजना के लिए कुल 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें सड़क निर्माण पर 700 करोड़ और जमीन अधिग्रहण, आरओबी निर्माण समेत दूसरे कार्यों पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस बीच खबर है कि बीएसआरडीसी ने सड़क निर्माण के लिए जिस जमीन के लिए अनुरोध किया था उसे लेकर कृषि विभाग ने एनओसी दे दिया है। कृषि विभाग की जमीन मीठापुर और भूपतिपुर के पास है। इस जमीन के 12 एकड़ हिस्से पर सड़क निर्माण होना है। कुल 20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है, जिसमें 8 एकड़ जमीन किसानों की है, जिन्हें श्रेणी तय होने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। ये जमीन सिपारा, परसा और रहीमपुर में है। बाकी सड़क की जमीन का 1960 में अधिग्रहण कर लिया गया था। पटना गया लाइन के पूरब 60 फीट चौड़ी सड़क की जमीन है। इसकी नपाई कर अतिक्रमण हटाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और फिलहाल पेड़ों को शिफ्ट करने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2023 के दिसंबर तक इस एलिवेटेड रोड को बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।